नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास जो वीडियो ला रहा हूँ ये सिंपली आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है और हमारे आगे की स्ट्रेटजी कैसी होगी इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये यूजीसी नेट की प्रिपरेशन मेरे साथ क्यों करें, मेरे में कुछ ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए तभी तो आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी डिमांडेड है। ऐसे तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इन ब्रीफ मैं अपने बारे में पहले बता देता हूँ। मैं 2012 में एमएड में एडमिशन लिया था हिंदू कॉलेज ऑफ एजुकेशन सोनीपत हरियाणा, लेकिन मैं कभी कॉलेज गया नहीं क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था कुछ खास उस समय। तो उस समय क्या था कि हर संडे को मैं दिल्ली जाया करता था ऐसे ही घूमने फिरने के लिए। तो मेरा एक फ्रेंड था, लथा नहीं अभी भी है वो, नाम है गोविंद राजभर, गाजीपुर यूपी का है वो। तो वो बोला था कि भाई हर साल हर संडे को तो जाते ही हो, एक बार मेरे साथ चलना रोहतक घूमने के लिए, क्योंकि उस एरिया का नेट का एग्ज़ाम का सेंटर रोहतक में हुआ करता था, हरियाणा में ही है वो रोहतक, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा, तो वहीं पर था। वो सारा खर्च उसी का हुआ, वो अपने तरफ से फॉर्म फिलअप कर दिया था मेरा, और जब एग्ज़ाम देने के लिए गए थे तो आने जाने का सारा किराया भी वही दिया था। और जब एग्ज़ाम हुआ तो काफ़ी ही डिफरेंट था, मैं काफ़ी क्वेश्चन का आंसर जानता था, जबकि मैं मुश्किल से 10 दिन के आसपास में पढ़ा था, जहाँ पर मुझे दिक्कत थी मैं उसे पढ़ा और आसानी से मैं वो एग्ज़ाम को फाइट किया, और आसानी से जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में भी मेरा था अच्छे से। जब मैं एग्ज़ाम पास कर गया तब सारा फ्रेंड लोग बोलने लगे यार नेट पास कर गए हो, नेट पास करना बहुत मुश्किल चीज़ है, तुम नेट पास कर गए हो एमएड को कम्प्लीट करो। और रियली में उस समय मैं एमएड का फर्स्ट सेमेस्टर का ही एग्ज़ाम छोड़ दिया था, और बाद में तो इसीलिए मैं अपीयरिंग में दिया था, मुझे सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था। मेरा एमएड कंप्लीट हुआ 1.5 साल बाद, मतलब 2014 में कंप्लीट हुआ, उसके 2014 में मुझे वो सर्टिफिकेट इशू किया गया। इस बीच में कई सारा फ्रेंड ये बोला था कि तुम ये एग्ज़ाम इसलिए पास किए हो कि तुम्हारा किस्मत अच्छी है, लक बाय लक पास कर गए। तो थोड़ा सा मुझे भी अपने ऊपर शक गया, मेरा कॉन्फिडेंट लूज हुआ, मैं फिर से फॉर्म भरा, और फिर से मैं उसी कंडीशन में, मतलब पहले भी मैं एमएड का नहीं पढ़ा था, मास्टर ऑफ एजुकेशन का, और इस समय भी नहीं पढ़ा, क्योंकि यही बीच में पढ़ा था तो मेरा तो छोड़ा हुआ भी काफ़ी दिन हो गया था वो एग्ज़ाम को। मैं एग्ज़ाम दिया और इस बार भी मैं पास किया, और सेम कंडीशन के साथ। इस बार मैं इसलिए नहीं पढ़ सका था क्योंकि मैं इस बार जॉब में आ गया, टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन मैं एग्ज़ाम तो पास किया। तो फिर यहाँ से क्लियर हो गया था कि ये मेरी नॉलेज थी, और सबसे बड़ी बात थी कॉन्फिडेंट, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि मैं ये एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और उतना नेट में, खास करके एजुकेशन से नेट में तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है कि एक कॉमन आदमी ना जाने। हाँ, हल्का फुल्का थ्योरीज वगैरह रहता है, एप्टीट्यूड वगैरह रहता है, जो कि नहीं होता है। तो हम लोग एमएड पास करके आए ना, एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन पास करके आए हैं या एमए इन एजुकेशन पास करके आए हैं, तो उतना तो जब एग्ज़ाम पास किए तो इतना तो नॉलेज है ही अपने पास, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। और ये मेरे में भी कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं जो नेट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था, बस मेरे में उसमें ये कॉन्फिडेंस था कि आई हैव अपीयर्ड फॉर बीएड एग्जामिनेशन, और जो बीएड में है वही एमएड में है, आप सबको पता है जो बीएड में हम लोग पढ़ते हैं वही मास्टर ऑफ एजुकेशन में है, एमए इन एजुकेशन में है, तो वही है, तो डिफरेंट तो कुछ है ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन एग्ज़ाम में तो ज़्यादा नहीं आता। एग्ज़ाम में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें कहता है 100% बनाओगे तभी पास करना है, नो, कम में पास होता है, और जितना उसमें आता है आप मिला के देखो बीएड से उतना क्वेश्चन है। बीएड का किताब उल्टाओ, नेट का एग्जाम का क्वेश्चन देखो, बीएड से मिलता है। और मेरे में यही कॉन्फिडेंस थी और इसी कारण मैं पास कर गया। मेरे पास बहुत सारा, मैं पहले बताता हूँ हमारी स्ट्रेटजी, ये नेट का एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसा नहीं होता कि 10 दिन पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लिए या 1 महीना पढ़ के निकाल लिए, नहीं। और ऐसा भी नहीं कि पहले एक पेपर पढ़ लिए, फिर दूसरा पेपर पढ़े, फिर तीसरा पेपर पढ़े और निकल जाएगा एग्ज़ाम, ऐसा नहीं होगा। जब हम दूसरा पेपर या तीसरा पेपर पढ़ने लग जाएंगे तो पहला पेपर भूल जाएंगे, इसीलिए सबको साथ लेके चलना होगा। तो हम लोग जो पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर, जो कि सभी के लिए कॉमन है, तो सभी सब्जेक्ट के कैंडिडेट पढ़ सकेंगे, और सेकेंड और थर्ड हमारे साथ चलेंगे। तो जो कि सिर्फ एजुकेशन का रहेगा, तो सेकेंड थर्ड एजुकेशन, इसलिए कि बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट्स आया है, मैसेज आया है, कुछ का कॉल भी आया कि सर दूसरे सब्जेक्ट में भी करवाओ, तो दूसरा सब्जेक्ट में मेरे से नहीं हो सकता क्योंकि आई एम मास्टर इन एजुकेशन, तो दूसरे सब्जेक्ट में मेरे से नहीं हो सकता, मेरे लिए थोड़ा टफ है
क्योंकि मुझे उसमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, फिर भी मास्टरी तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मैं उसके लिए 2 साल नहीं पढ़ा, तो मैं एजुकेशन से ही करवा सकूँगा। और फिर बहुत सारे का आया है कि सर आप इतना लंबा लंबा वीडियो बनाते हो, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। तो भाई जब आप खाना खाते हो, रोटी खाते हो, 4 रोटी खाने में भाई 5 मिनट लगेगा, सबका अपना अपना अलग स्पीड है अपने स्पीड के अनुसार 4 रोटी खाने में 5 मिनट लगेगा, आप कितना भी शॉर्टकट कर लो 30 सेकेंड में खा सकते हो क्या? खा सकते हो, लेकिन वही आपका लास्ट खाना रहेगा, उसे तो आप खा जाओगे लेकिन वो आपको खा जाएगा और ऊपर पहुंच जाओगे। तो जिसमें जितना टाइम लगने का है लगेगा ही, कुछ चीज़ें होता है जिसमें कि जितना टाइम लगना का है लगेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। बहुत सारा होता है भाई ये नेट का एग्जाम पास करना है शॉर्टकट में, उसमें उतना टाइम लगेगा और जितना टाइम लगेगा आपको लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ में तो आप टाइम कट नहीं करते, जैसे ही सो के उठते हो फट से मोबाइल आपके हाथ में आता है, फेसबुक में कोई कमेंट आया है उसको लाइक करना ज़रूरी है, व्हाट्सएप में आया ही कि नहीं उसके लिए तो आपको अच्छा आता है। ऐसा क्यों होता है कि आप फेसबुक और व्हाट्सएप सो के उठते हो कि मोबाइल पर चेक करते हो, कहीं से आते हो कि मोबाइल को चेक करते हो? क्यों? क्योंकि हमारे उसमें इंटरेस्ट है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग चाट खाए होगे, चाट नहीं खाए होगे तो चाउमीन खाए होगे या गोलगप्पे खाए होगे, देखो, या इसके अलावा दूसरा चीज़ पचाऊ खाए हो कभी? पचाऊ, पचाऊ एक चाइनीज डिश है। मैं बता रहा हूँ, जब आप, मैं आज चाट का नाम लिया, चाउमीन का नाम लिया, आपके मुंह में पानी आ गया, मेरे मुंह में भी आ रहा है, लेकिन पचाऊ के नाम पे कुछ नहीं हुआ। क्यों? पचाऊ में हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं है, पचाऊ के बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं। ऐसे में ऐसे ही नाम बताया, ऐसा कोई डिश नहीं होता, अगर होता भी होगा तो मुझे नहीं पता। लेकिन चाउमीन, चाट, गोलगप्पे, ये समय तो मुँह में पानी आ गया भाई, क्योंकि हम खाए हैं, हमें उसमें इंटरेस्ट है और इसीलिए उसमें। तो व्हाट्सएप पकड़ते हैं या फेसबुक देखते हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट, लेकिन पढ़ाई में उतना नहीं ध्यान देते। भाई इसमें भी इंटरेस्ट बनाओ, इसको आप बढ़िया से इंटरेस्ट के साथ लो, तो देखो फिर जब पहला आप स्टार्ट करोगे तो फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं आएगा, किताब को लाओ, देखो ऑटोमेटिक होगा, इंटरेस्ट आया कि बस सब काम हो जाएगा एक बार में और काफ़ी आसानी के साथ ये नेट वगैरह भी हो जाएगा। और इसके लिए फिर शॉर्टकट नहीं मारोगे, क्योंकि हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, पढ़ाई का शॉर्टकट पढ़ाई ही है और बस हर कंडीशन से पढ़ाई ही है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। और शॉर्टकट मारने के चक्कर में फिर शॉर्टकट हो जाता है, फिर अपनी एग्जाम नहीं होती, पता चलता है टाइम चला गया, 2 साल 3 साल 4 साल चला गया और नेट एक बार भी पास नहीं कर सके, 6 बार 7 बार भी एग्ज़ाम दे चुके। जो फ्रेशर हैं वो फ्रेशर हैं, जैसे मैं नेट पास किया था लेकिन एमएड पास नहीं किया था, नेट पास करने के 1 साल के बाद मैं एमएड पास किया था, मतलब मास्टर की डिग्री मिली थी। टेट में भी मेरा वैसे ही हुआ था, बीएड में मैं एडमिशन लिया था, 2011 में बीएड कर रहा था, उसी समय सी टेट का एग्ज़ाम हुआ था और बीएड के एग्ज़ाम के पहले मैं सी टेट का एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम पास कर गया था। तो ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम पास कर जाता है या नेट पास, एमएड पास कर गए या एजुकेशन एमएससी पास कर गए तभी होगा, ऐसा नहीं है, वो पहले भी हो सकता है। तो ये सभी के लिए कॉमन है बस, लेकिन हाँ, जो स्ट्रेटजी सही होना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए। हार्ड लेबर हमेशा सक्सेस का रीजन नहीं होता, अगर हार्ड लेबर सक्सेस का रीजन होता तो अभी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एक ठेला चलाने वाला होता, क्योंकि उससे ज़्यादा हार्ड तो कोई करता नहीं, रिक्शा चलाने वाला होता उससे ज़्यादा तो हार्ड कोई करता नहीं है। स्मार्ट लेबर, स्मार्ट वर्क मायने रखता है, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट लेबर करना है, हार्ड लेबर नहीं करना। और हार्ड हर चीज़ का सक्सेस का कारण नहीं होता, तो बस ऐसे ही हमें चलते जाना है सही रास्ते से, हमारे साथ फिर देखिए आसानी से होगा, शॉर्टकट नहीं। फिर अब जैसे मैं अपने बारे में, हो सकता है आपको ये फील हो रहा होगा कि मैं घमंड, ये घमंड नहीं, पहले भी विश्वास होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि, और विश्वास भी, आप किसी से भी कुछ भी आप पूछ के देख लो, किसी से पूछो कि भाई नेट का एग्ज़ाम कैसा होता है, कैसे देना चाहिए, आपको बताएगा ज़रूर, ज़रूर बताएगा। किसी से पूछो, हो सकता है कि उसे नेट का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी नहीं पता होगा, लेकिन आपको ज़रूर बताएगा कि नेट का तैयारी कैसे किया जाता है। ये तो बात वही हो गई, अब आपको बस स्टैंड जाना है, किसी से आप पूछोगे भाई ये बस स्टैंड कैसे है, कैसे जाना है, कहेगा चलो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, पता चलेगा उस रास्ते में कोई पागल कुत्ता है, उसको भी काटा और आपको भी काटा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं ये एग्ज़ाम 2-2 बार मैं पास किया हूँ, और 2-2 पास किया हूँ, तो आपको मैं सही गाइड कर सकता हूँ, सही बता सकता हूँ, अगर आपको विश्वास हो। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा सर्टिफिकेट, मैं उसमें दोनों सर्टिफिकेट में दिखला रहा हूँ आप लोगों को, जिससे कि ये क्लियर होगा कि मैं पास किया था
और आपको विश्वास हो। और सिर्फ मेरे पे विश्वास होने से नहीं होगा, और मैं दूसरा एग्जांपल जैसे निकालने वाला बताया था कि मैं ऐसे करके निकाल लिया, सिर्फ मेरे पे विश्वास करने से नहीं होगा, आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। कैसे नहीं निकलेगा भाई, मेरा एग्ज़ाम्पल आप देखें तो, लक के कारण नहीं था, किस्मत के कारण नहीं था, मुझे नॉलेज थी, मैं नॉलेज गेन किया था, मैं बीएड पास करके मैं एमएड में आया था, इसलिए मेरे से हुआ था और इसलिए आसानी से हुआ था। तो मुझे अपने आप में विश्वास था। अगर आप उस समय नहीं पढ़े थे तो आप पढ़ लो, अगर बीएड में थे और सही ढंग से नहीं पढ़े तो आप पढ़ लो, एमएड में थे सही ढंग से नहीं पढ़े तो आप पढ़ लो, पढ़ने का कोई समय नहीं होता, कभी भी पढ़ सकते हो। बस ईमानदारी के साथ पहले कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले अपने पे विश्वास होना चाहिए, उसके बाद किसी और के ऊपर। अगर अपने पे विश्वास करोगे तभी कोई भी चीज़ को आसानी से कर सकते हो। और इसीलिए बस मैं जैसे करा रहा हूँ आपको, अगर और भी कोई अलग तरीका लगता हो करो, लेकिन हाँ रेगुलर ढंग से स्लो एंड स्टडी विन द रेस, नो शॉर्टकट, स्लो एंड स्टडी चलना है मेरे साथ। और दूसरी बात आ गई कि शॉर्टकट नहीं मारना है, ईमानदारी से सही ढंग से अपने आप से ईमानदारी बरतो। अगर आप ईमानदार रहोगे आपके साथ हर चीज़ ईमानदारी से और 100% सक्सेस रहेगा। और मेरी गारंटी है कि अगर आप ये 6 महीना सही ढंग से किए ना तैयारी, आपका होगा ही होगा। बस इस बार का 6 महीना आपका, 6 महीना मेरे साथ अपने लिए।